फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। हाथरस प्रकरण ने समाज को ठाकुर वर्सेस अन्य जाति में बांट दिया है। ठाकुर समुदाय के लोगों का कहना है कि गैंगरेप जैसी कोई घटना नहीं हुई है। इस मामले को मीडिया बिना वजह टीआरपी के लिए तुल दे रहा है। बीते दिवस आप नेता संजय सिंह पर मीडिया से बात करते हुए इंक भी डाल दी गई। इसे संजय सिंह ने मुख्यमंत्री की कायराना हरकत बताया है। इस घटना के विरोध में मेरठ कमिश्नरी पर आज आप कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस मामले की जांच फिलहाल सीबीआई को सौंप दी गई है। आज हाथरस के जिला जज पीड़िता के घर पहुँचे हैं। पीड़ित परिवार से बात कर वह अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट भेजेंगे। 12 अक्टूबर को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः ही संज्ञान लिया है। डीजीपी, डीएम, एसएसपी आदि की हाईकोर्ट में उस रोज पेशी होगी। हमारा नाम अंकुश चौधरी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ में हमारे प्रदेश सचिव भाई मनीष सिंह जी, जिला अध्यक्ष ओपी सिंह जी, तमाम जिला कार्यकारिणी के तमाम लोग। हमारी मांग ये है, जिस तरीके की हाथरस की गुड़िया के न्याय को लेकर हम लोग ये मांग कर रहे हैं, तमाम जगह रोज नई नई घटनाएं सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा, देश के संविधान को इन लोगों ने ताक पे रख दिया। कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उस गांव में गया, पीड़ित परिवार से मिलने गया और पुलिस की एसडीएम की गाड़ी के अंदर सांसद जी पर और तमाम विधायक गणों पर जिस तरीके इंक डालने का काम किया गया, पत्थर वहाँ पर चले, तो ये हो क्या रहा है? कि तमाम जितने भी लोग हैं, अगर उस पीड़ित जब सांसद और विधायक जो एसडीएम की प्रशासन की गाड़ी में है वो सुरक्षित नहीं है, तो उस पीड़ित का परिवार वहाँ कैसे सुरक्षित है? उस वो उन लोगों के बीच में है। हमारी मांग है कि उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी जाए।